गाइस, दिस इज माय न्यू यूट्यूब चैनल ट्रैवल गाइड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान शिव जी के धाम केदारनाथ की यात्रा के बारे में। केदारनाथ धाम कब जाए, कैसे जाए, वहां जाने के लिए बेस्ट सीजन कौन सा है और यात्रा के वक्त आपको कितने दिन लग सकते हैं, साथ में क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, ये सब महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस की आपको जानकारी मिले इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, केदारनाथ धाम शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव जी का ये 1200 साल पुराना मंदिर उत्तराखंड के 4 धाम और पंच केदार में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि केदारनाथ जाने के लिए सबसे बेस्ट सीजन कौन सा है। ठंड के मौसम में केदारनाथ का ये मंदिर बर्फ से पूरा ढका रहता है, इसलिए ये मंदिर तकरीबन 6 महीने तक बंद रहता है। केदारनाथ मंदिर के कपट अक्षय तृतीया के पवित्र दिन पर खुलते हैं, जो कि मई महीने में आता है, और दिवाली के बाद मंदिर वापस बंद हो जाता है। हर साल इन डेट्स का ऐलान मार्च महीने के पहले ही किया जाता है, ताकि यात्रियों के लिए बुकिंग आदि करना आसान हो। दोस्तों, मई और जून महीने का मौसम सुहाना रहता है, इसलिए ये 2 महीने में भीड़ थोड़ी ज्यादा रहती है। अक्टूबर और नवंबर महीने में भी मौसम अच्छा रहता है, लेकिन भीड़ कम रहती है, इसलिए दर्शन का टाइम भी कम हो जाता है। भीड़ कम होने से आपका ट्रिप का बजट भी कम हो जाता है। जुलाई से सितंबर ये बारिश का सीजन रहता है, उस समय में भी भीड़ कम रहती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बारिश में लैंडस्लाइड का खतरा रहता है और कभी कभी तो रास्ते भी बंद हो सकते हैं। चलो दोस्तों, सीजन तो फिक्स हो गया, अब देखते हैं शिवजी तक जाएंगे कैसे। तो पहले देखते हैं प्लेन से केदारनाथ तक कैसे जाए। दोस्तों, केदारनाथ से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। देहरादून से केदारनाथ लगभग 240 किलोमीटर है। दोस्तों, अब देखते हैं कि ट्रेन से कैसे जाए। केदारनाथ से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, लेकिन ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट ट्रेन बहुत कम है, इसलिए बहुत से यात्री हरिद्वार तक ट्रेन से आते हैं। हरिद्वार भारत के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार से केदारनाथ धाम की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। केदारनाथ यानी सोनप्रयाग तक बस या कार से कैसे जाए। हरिद्वार या ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे टूरिस्ट कंपनी के ऑफिस है। वहां से आप केदारनाथ यानी सोनप्रयाग तक जाने के लिए बस या कार का बुकिंग कर सकते हैं। सोनप्रयाग तक बस का किराया लगभग 400 से 500 रुपए तक है। स्टेट ट्रांसपोर्ट की भी बहुत सारी बसें सोनप्रयाग तक जाती है। अगर आप कार से जाना चाहते हैं तो हरिद्वार से आपको बहुत सारे कार ऑपरेटर मिल जाएंगे। कार का किराया लगभग प्रतिदिन 3 से 5 हजार रुपए तक होता है। याद रखें, ये किराया सीजन के मुताबिक कम ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखें कि सोनप्रयाग जाने के लिए रात में बस सर्विस अवेलेबल नहीं है। सुबह जल्दी बहुत सारी डायरेक्ट बसेस मिल सकती है। तो जो यात्री ट्रेन से हरिद्वार तक आने वाले हैं, वो ये बात ध्यान में रखें और उस हिसाब से अपने ट्रिप की प्लानिंग करें। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है और गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर है। हरिद्वार ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक रास्ता अच्छा है। बीच बीच में लैंडस्लाइड के कारण रास्तों का काम कभी कभी चलता रहता है। हरिद्वार आने के बाद यात्री गंगा मैया में स्नान करके और शाम की गंगा घाट की आरती करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। जो यात्री कोलकाता या भारत के ईस्ट साइड से आने वाले हैं, उन्हें काठगोदाम स्टेशन तक आना पड़ेगा और काठगोदाम से आप नैनीताल, रानीखेत, बद्रीनाथ करके भी सोनप्रयाग आ सकते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर से कैसे जाएं। केदारनाथ जाने के लिए गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से हेलीकॉप्टर की सुविधा है। केदारनाथ के नजदीक सिरसी है। सिरसी से भोले तक पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो तो आपको सोनप्रयाग तक जाने की जरूरत नहीं है। सिरसी, फाटा सोनप्रयाग के पहले ही आते हैं। दोस्तों, हेलीकॉप्टर के चार्जेस की अगर बात करते हैं तो वन वे टिकट आपको 3 से 4 हजार रुपए तक और बोथ साइड का टिकट तकरीबन 7 हजार रुपए तक है। ये रेट सीजन के मुताबिक कम या ज्यादा होते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, मई या जून ये 2 महीने भीड़ के होते हैं, तो आप हेलीकॉप्टर का टिकट कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन निकाल के रखें। दोस्तों, अब देखते हैं हेलीकॉप्टर से जाते वक्त कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। दोस्तों, सीजन में केदारनाथ में भगवान के दर्शन के लिए आपको कभी कभी
तीन से चार घंटे भी लग सकते हैं और दोपहर 3 से 5 बजे तक मंदिर भी बंद रहता है। तो जो यात्री वन डे रिटर्न जाने वाले हैं वो ये बात ध्यान रखें और अपनी ट्रिप प्लान करें। दोस्तों, केदारनाथ का जो हेलीपैड है वो भी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जो यात्री बिल्कुल चल नहीं सकते वो ये बात जरूर ध्यान में रखें। चलिए दोस्तों, अब अपनी केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हैं सोनप्रयाग से। दोस्तों, अगर आप रात में केदारनाथ के सबसे नजदीक सोनप्रयाग को स्टे करते हैं तो दूसरे दिन सुबह जल्दी गौरीकुंड के लिए निकल सकते हैं। सोनप्रयाग में आपको धर्मशाला, डॉर्मिटरी और बहुत से होटल रात को रुकने के लिए मिल जाएंगे, जिसका किराया 300 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक है। अगर आपको अपना बाकी का सामान सोनप्रयाग में ही रखना है तो केवल 50 रुपए में आप आपका सामान लॉकर में भी रख सकते हैं। दोस्तों, आपको अपनी कार सोनप्रयाग तक ही अलाउड है, तो आप अपनी कार या बाइक यहाँ के पार्किंग एरिया में पार्क करें। पार्किंग के चार्जेस एक दिन के लिए 120 रुपए है और अगर ज्यादा दिन रखना है तो हर दिन के 100 रुपए चार्जेस है। बाइक के लिए ये चार्जेस 50 रुपए प्रतिदिन है। दोस्तों, अगर आपने आपकी केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो आप ये सोनप्रयाग में भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब अपनी मेन यात्रा शुरू करते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड आपको शेयर जीप से जाना होगा, जिसका किराया 20 से 30 रुपए तक प्रति व्यक्ति है। ये जीप सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाती है। सीजन में कभी कभी भीड़ इतनी ज्यादा रहती है कि आपको इसके लिए भी क्यू लगाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, याद रखें, आपको सोनप्रयाग से सुबह जल्दी निकलना है। सोनप्रयाग से आधे घंटे की सफर के बाद हम पहुंचते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। गौरीकुंड में पार्वती देवी का मंदिर है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ के गर्म पानी के कुंड में स्नान करके गौरी माता का दर्शन करके निकल पड़ते हैं शिव जी से मिलने। दोस्तों, कुछ यात्री गौरीकुंड में भी मुकाम करते हैं, हालांकि यहाँ ठहरने के ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। 2013 की बाढ़ में गौरीकुंड के गांव, मंदिर और कुंड का बहुत सा नुकसान हुआ था। कुछ जगह पे अभी भी रिपेयरिंग का काम चालू है। दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर है। बहुत से यात्री तो पैदल ही ये ट्रेक पूरा करना पसंद करते हैं, मगर जो यात्री पैदल नहीं जा सकते वो घोड़ा, पालकी या पिट्ठू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, घोड़ा, पालकी और पिट्ठू का किराया सीजन के अनुसार कम या ज्यादा होता रहता है। जो यात्री पैदल या घोड़े से नहीं जा सकते वो पालकी का उपयोग कर सकते हैं। घोड़े या पालकी का वन वे चार्जेस तकरीबन 5 से 6 हजार तक रहता है। दोस्तों, अब देखते हैं घोड़े से सफर करने के वक्त कुछ टिप्स। सबसे पहले, आप अगर घोड़े से ये सफर करने वाले हैं तो कंफर्टेबल कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। ऐसे कपड़े पहनिए जिससे घोड़े पे बैठने में आसानी होगी। दोस्तों, दूसरी बात, जब आप घोड़े पे बैठते हो तो आपके दोनों हाथ खुले होने चाहिए, जिससे आप ये 16 किलोमीटर की यात्रा आराम से पार कर सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा अगर आप सैक करी करें, इससे घोड़े पे बैठते वक्त आसानी होगी। दोस्तों, अब देखते हैं केदारनाथ ट्रैक के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। पैदल चलते वक्त आपको ये ट्रैक पूरा करने में 6 से 10 घंटे लग सकते हैं, तो अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू कीजिए। पैदल चलते वक्त आपको परेशानी हो सकती है, तो जो यात्री पैदल जाने वाले हैं वो रोज थोड़ी थोड़ी पैदल चलने की प्रैक्टिस करें, इससे ये ट्रैक थोड़ा आसान हो जाएगा। चलते समय सबसे इम्पोर्टेंट है आपके शूज, जो कि अच्छे होने चाहिए। जर्नी के बीच में बारिश हो जाए तो पैर फिसलने का डर रहता है, चप्पल या सैंडल अवॉइड ही करें। चलते वक्त आसानी हो इसके लिए गौरीकुंड में आपको लकड़ी की लाठी भी मिल जाएगी, जो चढ़ाई के वक्त थोड़ा सपोर्ट का काम करेगी। ये लाठी 20 या 30 रुपए में मिल जाएगी। दोस्तों, केदारनाथ जाते वक्त कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए साथ में हमेशा रेनकोट या जैकेट या छाता साथ में रखिए। गौरीकुंड में आपको प्लास्टिक के जैकेट 100 या 200 रुपए में मिल जाएंगे, वो आप अपने जैकेट के ऊपर भी पहन सकते हैं। दोस्तों, साथ में अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल, कैमरा है तो उसे भी प्लास्टिक से कवर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, यहाँ कभी भी बरसात होती है और जिसकी वजह से लैंडस्लाइड भी होती है, और इस वजह से आपको आपके डेस्टिनेशन पहुँचने तक ज़्यादा समय लग सकता है। तो दोस्तों, हमेशा अपने साथ कुछ खाने की चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट या चॉकलेट रखें। एक बात ध्यान में रखें, आपको पैदल चलते वक्त पानी पीते रहना है, क्योंकि ट्रेकिंग के वक्त आपको पूरे समय हाइड्रेटेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, 16 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आपको तकलीफ भी हो सकती है,
तो साथ में एक छोटा सा फर्स्ट एड का पाउच साथ में रखें, जिसमें पेन किलर की टैबलेट या फिर स्प्रे, सर्दी या फीवर की टैबलेट होना जरूरी है। केदारनाथ के लिए आजकल सभी मोबाइल नेटवर्क मिल जाते हैं, लेकिन BSNL का नेटवर्क सबसे अच्छा है। दोस्तों, मोबाइल चार्जिंग के लिए एक अलग से पावर बैंक और डिजिटल कैमरा के लिए एक एक्स्ट्रा बैटरी साथ में रखें। साथ में एक अच्छी टॉर्च जरूर रखें। केदारनाथ के रास्ते ATM नहीं है और ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त नेटवर्क इशू की समस्या हो सकती है, तो जरूरी कैश हमेशा साथ में रखें। दोस्तों, ट्रेक के वक्त रास्ते में छोटे छोटे होटल हैं, वहां आप हल्का सा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। वहां आपको मैगी, पराठा, नींबू शरबत मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा हेवी मील मत लें, बस एनर्जी बनी रहे उतना ही खाएं। दोस्तों, जर्नी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन भोले बाबा का नाम लेके चलिए तो आसानी से पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं केदारनाथ जी के मंदिर के बारे में। भोले बाबा का ये मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और रात 7 बजे के आसपास बंद होता है। दोस्तों, याद रखें ये मंदिर दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक दर्शन के लिए बंद रहता है। सीजन में दर्शन के लिए बड़ा क्यू रहता है, तो दर्शन के लिए कभी कभी 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। भीड़ के वक्त आप VIP दर्शन का लाभ उठा सकते हैं, जिसके 2 से 3 हजार तक चार्जेस रहते हैं। इससे आपका दर्शन का समय बच सकता है। यहाँ रात में मंदिर का नजारा बहुत देखने लायक होता है। शाम 6 से 7:30 तक बड़ी आरती होती है। भक्त और साधु लोग भक्ति से भोले बाबा का जयघोष करते हैं। दोस्तों, अगर आप रात को केदारनाथ स्टे कर रहे हैं, तो रात में जरूर एक बार भोले बाबा के मंदिर का दर्शन लें। भोलेनाथ के दर्शन के बाद आसपास घूमते वक्त आपको मंदिर के पीछे बड़ा सा पत्थर नजर आएगा, जो भीमशिला के नाम से मशहूर है। 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो इसी पत्थर की वजह से मंदिर का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, केदारनाथ में मंदिर के बाद अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं, तो जरूर भैरवनाथ जी के मंदिर का दर्शन लें। मंदिर से लगभग 800 मीटर दूरी पर ऊपर भैरवनाथ का मंदिर है। दोस्तों, वहां जाने वाले रास्ते पे थोड़ी चढ़ाई है, तो इसे पार करने में आपको आधा घंटा लग सकता है। ऊपर से केदारनाथ मंदिर और गाँव का सुंदर दृश्य दिखता है। दोस्तों, केदारनाथ में देखने के लिए और एक जगह है, जिसे ध्यान गुफा कहते हैं। मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यह ध्यान गुफा है। इस गुफा में रहने की सुविधा है, जिसका बुकिंग GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट से आप कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पे श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि भी है। दोस्तों, अब जानते हैं केदारनाथ में रहने के लिए क्या क्या सुविधा है। केदारनाथ धाम में रहने के लिए आश्रम, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होटल और टेंट की सुविधा है, लेकिन भीड़ के वक्त यहाँ आने से पहले आप ऑनलाइन बुकिंग करें। यहाँ पे रहने के लिए लिमिटेड ऑप्शंस है। रहने के लिए 300 रुपए के डॉर्मेटरीज से 5000 रुपए तक के होटल है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने हेलीपैड के नजदीक कुछ डॉर्मेटरीज भी बनवाई है, जिसका रेंट 300 रुपए से स्टार्ट होता है। आप इसके लिए GMVN की वेबसाइट पर बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं खाने की क्या क्या सुविधा है। केदारनाथ में आपको बेसिक खाना जैसे रोटी, दाल, चावल, सब्जी जैसा खाना मिल जाएगा, जिसका खर्चा 100 रुपए तक रहता है। दोस्तों, अब देखते हैं केदारनाथ ट्रिप के लिए आपको कितने दिन लग सकते हैं। केदारनाथ के ट्रिप के लिए आपको हरिद्वार से हरिद्वार तक 4 दिन लग सकते हैं, जिसमें 2 दिन सोनप्रयाग और 2 दिन केदारनाथ का स्टे शामिल है। दोस्तों, कुछ लोग केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ की भी यात्रा करते हैं, तो हमारा बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा का ये वीडियो आप जरूर देखें, जिसमें आपको कैसे जाना है, कहाँ रुक सकते हैं, ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, अब देखते हैं केदारनाथ की ये ट्रिप के लिए आपको कितना खर्चा आ सकता है। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार से बस से सोनप्रयाग तक जाते हैं और आगे केदारनाथ की पैदल यात्रा करते हैं, तो आपको प्रति व्यक्ति 5000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है, जिसमें आपका हरिद्वार तक का ट्रेन या फ्लाइट का टिकट इंक्लूड नहीं है। दोस्तों, अगर आप घोड़े या हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, तो यही आपको 10 से 15 हजार तक खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों, ये हो गया केदारनाथ का सफर। आप भी कीजिए केदारनाथ की ट्रिप, दर्शन करें शिव जी के, और कमेंट सेक्शन में आपके अनुभव जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय बाबा केदारनाथ।